सो ही व्हाट्सअप गाइस। तो यार फोटो एडिटिंग में फॉन्ट्स का कितना बड़ा रोल होता है ये यार आज के टाइम के लड़के बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एकदम स्टाइलिश और मस्त फॉन्ट्स होते हैं ना तो हम इतनी अच्छी फोटो एडिट करते हैं कि यार भर भर के लाइक्स आते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और यार बहुत से ऐसे यूट्यूब क्रिएटर भी हैं जो अपने थंबनेल को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, बट उनके पास में इतने अच्छे फॉन्ट्स नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको फॉन्ट्स के बारे में बताऊं। और अगर आप एक पिक्स आर्ट यूजर हैं यानी कि फोटो एडिटिंग में अगर आप पिक्स आर्ट का यूज करते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कस्टम फॉन्ट्स के बारे में कि कैसे आप अपने पिक्स आर्ट में कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और कहां से आपको कस्टम फॉन्ट्स डाउनलोड करना है। साथ में मैं आपको 500+ कस्टम फॉन्ट्स देने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो में ही 500 कस्टम फॉन्ट्स मिल जाएंगे एकदम स्टाइलिश और एकदम गजब के, जो कि आपकी फोटो एडिटिंग में मतलब तबाही मचाने वाले हैं। तो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो यार ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको फॉन्ट्स डाउनलोड कहां से करने हैं। देखिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं जो वेबसाइट आपको बता रहा हूं उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो फॉन्ट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा 500+ फॉन्ट्स का, एक आपको रेयर फाइल मिल जाएगी, उसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं आगे की वीडियो में। बट अगर आपको अपने हिसाब से फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है तो फिर आपको मैं ले चलता हूं एक बार उस वेबसाइट को दिखा देता हूं, और उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे डा फॉन्ट्स तो यहां पे आपको एक वेबसाइट ऊपर में देखने को मिल जाएगी, आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको ऊपर में कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं फॉन्ट्स की, और यहाँ पर नीचे में जब आप स्लाइड करते हैं तो यार मस्त मस्त से फॉन्ट्स मतलब तबाही मचा देने वाले, और आपकी फोटो एडिटिंग को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए ये फॉन्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी फॉन्ट जो आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने पिक्सआर्ट में या फिर पिक्सल लैब जो भी आप यूज़ करते हैं कैसे इंस्टॉल करना है ये भी आपको बता देता हूं। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल है ये फाइल डाउनलोड हो गई है। तो फाइनली यार फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो तीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और उन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कहां पे उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उन दो तीन एप्लीकेशन के बारे में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है जेड अचीवर नाम से, आप जब उसे सर्च करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और यार जो दूसरा एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, उसका नाम है ईएस फाइल एक्सप्लोरर, जो कि इजीली आपको मिल जाएगा, कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उसका। तो इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, और साथ में आपके पास में पिक्सआर्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको उसी से फोटो एडिट करनी है। फाइनली यार ये वो फाइल है जिसके अंदर 500+ फॉन्ट्स हैं, और इनको मैं इंस्टॉल करने वाला हूं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डाउनलोड करवाया था, उस एप्लीकेशन का नाम था जेड अचीवर, और आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, बाद में आपको एक्सट्रैक्ट हेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आपके सारे फॉन्ट्स ओपन होकर आ जाएंगे यहाँ पर एक फोल्डर में। अब आपको जाना है उस ईएस फाइल एक्सप्लोरर में, और आपको एक वहां पर फोल्डर देखने को मिल जाएगा 559 फॉन्ट इन वन, और आपको सिंपली उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कैसे डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड करने के लिए सिंपली आपको ईएस फाइल एक्सप्लोरर को दोबारा से ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप नीचे में एक फोल्डर देखेंगे पिक्सआर्ट नाम से, और वो फोल्डर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और इस फोल्डर को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा फॉन्ट्स नाम का। अगर आपको ये फोल्डर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो सिंपली आपको न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद में उसका नाम रीनेम करके उसका नाम फॉन्ट्स रख देना है। इतना करने के बाद में आपको सिंपली उन सारे फॉन्ट्स को कॉपी कर लेना है वहां से जो कि आपने एक्सट्रैक्ट किए हुए थे, और उन फॉन्ट्स को कॉपी करने के बाद में आपको इस फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो फाइनली यार अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे फॉन्ट्स जो कि मैंने ऐड किए हुए हैं 500+ फॉन्ट्स वो हमारे पिक्सआर्ट में ऐड हो गए या फिर नहीं ऐड हुए हैं।
तो ये चेक करने के लिए आपको सिंपली एक कोई सी भी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, और फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद में कुछ भी आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। इतना करने के बाद में जब आप नीचे में देखते हैं तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो कि पिक्सार्ट के होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हमें चेक करना है कि यार जो मैंने अपने फॉन्ट्स डाले यानी कि जो 500+ फॉन्ट्स डाले हैं वो कहाँ गए। तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, आपको उस पर टैप कर लेना है, और टैप करने के बाद में ऊपर में आपको माई फॉन्ट्स दिख जाता है, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे में देख सकते हैं वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि आपने इंस्टॉल किए हैं अपने फोन में, यानी कि वो सारे 500+ फॉन्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के फॉन्ट्स हैं जो कि अगर आप अपनी फोटो एडिटिंग पे यूज़ करते हैं तो फिर यार आपकी फोटो एडिटिंग एकदम कमाल की होने वाली है। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो थंबनेल को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आप इन फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ थी जो आपको जानने को मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love in this.